प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात, क्या बात? अरे जेठालाल, ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी। हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी सॉरी, आपको नहीं, इन सबको। हेलो हेलो दया बेटी, भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाली छे, एक रंगे बोर पाली छे, दूध खाई दही खाई, घी तो चुप 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 चाटी जाए। भाई कमाल है भाई, हमारी दया भाभी ना कुछ भी करे भाई, खाना बनाना हो चाहे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना, एकदम परफेक्ट काम करती है। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में दया भाभी, आपने तो हम सब लोगों को हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है, बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है, कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। जानने वालों को तो छोड़ो, अनजाने भी हमें गोद में उठा लेते हैं और फिर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमारा गाल है ना, वो ऐसे ऐसे खींचते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर पहचान वाले होते हैं ना, उसको बात ना करनी हो ना, ऐसे घुमा लेते हैं। पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि हम बच्चे होते हैं ना, तो सब लोग हमें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे कंधे पर 10 तरह का टेंशन आ जाता है। घर का टेंशन, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बात है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। दया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुना यार भाई। सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मां मत जी,
स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा, मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अंकल आंटी, बाय 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 बाय। जा रहे हैं डॉक्टर हाथी, प्लीज वेलकम डॉक्टर हाथी। अरे बताओ यार, मेरा नाम स्वीटू है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक टेडी बियर हूँ और सबसे ज्यादा मुझे बच्चे प्यार करते हैं। बच्चों को मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है और बच्चे तो मुझे हर जगह अपने साथ घूमने भी लेके जाते हैं। मैं कितना गोल मटोलूं, लेकिन मैं भी जीरो फिगर बनना चाहता हूँ। और स्वीटू ब्रा, ओ कमाल है यार, अगर आप जीरो फिगर बनोगे तो टेडी बियर नहीं नन्हे मुन्ने गुड्डे लगोगे। ओ मेरे सोडी, अभी भी जीरो फिगर ही है, एकदम गोल। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि सारे बच्चे मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। वो अपने साथ मुझे घूमने ले जाते हैं, अपने दिल का सीक्रेट बताते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे उनके मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं सोफे पे या बेड पे कहीं पड़ा होता हूँ, वो मुझे उठा के कहीं गुस्से में फेंक देते हैं। और मुझे आप बच्चों से भी एक शिकायत है, आपके पास जब भी नए खिलौने आते हैं आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाते हो, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते, ये तो गलत बात है ना? लेकिन फिर भी मैं हमेशा आप बच्चों का बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। हाँ, आप भी हमारे नंबर वन फ्रेंड हो। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया। दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं फिर से एक काबिल लड़का हाथ से चला गया। ये कौन नई लड़की आई है सोसाइटी में? अरे भाई रुको रुको, बताती हूँ सब बताती हूँ। oh
मेरी साहब, लड़के तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई बुरी आदत है। किसी को पान खाने की आदत है तो किसी को चाय पीने की आदत। बोलो। वैसे मैंने और भी बहुत सारे लड़के देखे, पढ़े लिखे अनपढ़, लेकिन किसी के साथ बात नहीं बनी। एक मिनट, ये अनपढ़ तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन पढ़े लिखे लड़कों को क्यों मना किया? चिट्ठा लाल पढ़ा लिखा होगा तो दिन भर मुझे पढ़ाता रहेगा। और तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? बचपन से। मतलब प्रॉब्लम तुझ में ही है भाई, तो इसलिए अब तू बता कि तुझे कैसा लड़का पसंद है। मुझे मुझे ना पोपटलाल जैसा लड़का चाहिए। अच्छा लड़का, ये करेक्टर। लेकिन ये पोपटलाल की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है बहन? आप हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलबेली है। प्लीज वेलकम मिस्टर बाघा ऑन स्टेज। आता कळलं ना? आओ आ बघा। आ बघा नाही, आ बघा। बघा आता। अब पता चला, आप लोग भी जब साइलेंट जोन में हॉर्न मारते हो तो बाकी लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? नमस्ते मंडळी। नमस्ते, नमस्ते। मी बाघा आहे। ओहो, ले माहितच नव्हतं ले। मी ट्रॅफिक हवालदार आहे। मी मैं बारिश में, गर्मी में, ठंडी में रास्ते पर खड़ा रहकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। और मेरा तो अनुभव यही कहता है कि अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसिप्लिन के साथ करें तो कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सही बात। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ड्राइविंग एकदम संभाल के करो, क्योंकि क्या है सॉरी सॉरी सर, आप बीच में खड़े हो, आप जरा साइड हो ना, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? इकड़े ये, इकड़े ये। क्या हुआ? काई उम्र की थी तुझी? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। अंडर एज होके गाड़ी चलाते हो तुम? ये लो ना साहब, 100 रुपया। आप भी खुश, मैं भी खुश। और देश ना खुश। ये टोपी देखी है? इसका सिर्फ कलर व्हाइट नहीं है। आप जैसे लोग ही करप्शन चालू करते हो और फिर बदनाम हमें होना पड़ता है। अरे तुम तो देश का भविष्य हो, अगर तुम ही रिश्वत दोगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? सुना टप्पू, सुना? हाँ पापा। बहुत दिया भ्रष्टाचार को ग्रीन सिग्नल, अब उसे रेड सिग्नल दिखाने का वक्त आ गया है। समझ गए? जी सर, आई एम सॉरी। अब जाओ। सर वो मेरे 100 रुपए। अरे हाँ ले भाई। वैसे बाघा की बात सच है, बेचारा ट्रैफिक हवलदार लोग सुबह से रात तक रास्ते के बीचों बीच खड़े रहते हैं, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, और गाड़ी का सब धुआं उनके अंदर जाता है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है उनकी।
लोग समझते नहीं है कैसी सबकी सोच। अगला नंबर किसका है? एक मिनट लिस्ट देख के बताता हूँ। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। Come on, रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बचकर तो क्लब हाउस में और यहाँ भी बादल आ गया। उच्च विचार है नहीं बबीता जी के? कैसे? बादल हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं ना, इसलिए कोई सरहद कोई सीमा नहीं रोक सकती मुझे। जहां पवन ले जाए मैं वहां चला जाता हूँ, गांव में शहरों में। और आपको पता है, गांव में किसान बीज बोने के बाद मेरा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब मैं बरसता हूँ तो वो खुशी से झूम उठते हैं। अरे बबीता। अरे बादल है वो भाई। हाँ, बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद जब जगह जगह पानी भर जाता है तो आप ही लोग मुझे दोष देते हो कि मैं बिना सोचे समझे कहीं पे भी बरस जाता हूँ। शहर में इतनी बरसने की क्या जरूरत है? जाओ वहां जाके बरसो जहां जरूरत है, नदियों में तालाब में, वहां पे तो बरसते हो नहीं, और यहाँ पे बरस बरस के हमारा जनजीवन ठप कर देते हो। लेकिन आप ही बताओ, क्या आपका जनजीवन मेरी वजह से ठप होता है? नहीं, इसके जिम्मेदार आप खुद है। अगर आप अपने शहर में गंदगी नहीं करोगे, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकोगे, नाले साफ रखोगे, तो पानी भरने का सवाल ही नहीं उठेगा। हाँ, बराबर है। अरे अरे, देखो हवा का झोंका आ रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बाबू सर 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 दम क्या करना है? चमके करे ना करे, थम के करना, बार बार गिर रहा है भाई। आटे में नमक का, फूलों में महक का, जीवन में सगाई का और व्यंजनों में मिठाई का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे ही हास्य के साथ विचारों का बड़ा महत्व है। अब हमारे इस गोकुलधाम के फैंसी शो में हमारे सभी साथी हास्य के साथ एक अनूठा विचार लेके भी आ रहे हैं। अब मेरे परम मित्र जेठालाल बन के आए हैं जलेबी, जलेबा जलेबी बन के आए हैं, और जलेबी की तरह रस भरी बातों में आपको बांध देंगे, और आप भी जलेबी की तरह गोल गोल हास्य के चक्कर में ऐसे बन जाएंगे कि बस ठाके ही ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.